हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है कलजुगही देवी और मेरे पति का नाम है पंकज सिंह। क्या बताऊं, इस जीवन में मुझसे एक बहुत भारी गलती हो गई। गलती यह है कि मेरे माता पिताजी खत्म हो गए, काफी जायदाद छोड़ गए। एक मेरा छोटा भाई और एक मेरी छोटी बहन थी। मैंने सोचा इनका पालन पोषण कैसे करूंगी। एक दिन मेरा दिमाग काम कर गया और मैंने अपने पति को अपने मैके बुलाई, पति को मैके बुलाई और खूब शराब पिला करके नशे में कर दिया। जब मेरा पति नशे में हो गया तो उसके हाथ में तलवार थमाकर अपने भाई और बहन का कत्ल करवा दिया और जो रुपया पैसा था सब लेकर अपने ससुराल आ गई। उसी पैसे पर मेरा पति शराब पीता है, जुए खेलता है, सारा रुपया पैसा बर्बाद कर दे रहा है। यही सोच रही हूं अगर पैसा नहीं रहेगा तो एक दिन मुझे मारकर भगा भी सकता है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। भौजी नमस्ते। खुश रहो। कावा भौजी मन मन बरबरात यहां हो। क्या बताऊं भरीराम, हाँ? जो मैंने किया हाँ? उसी गलती का पश्चाताप कर रही हूं। का करबे भौजी, इस अहुरवा तुहिं ते सिखाऊ हूं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जीवन में इंसान से अगर गलती हो जाती है तो हमेशा दलदल में फंसा ही रहता है। सही है भौजी। ठीक है, कोई बात नहीं जी, आ जाने दीजिए, मैं उन्हें अच्छी तरह से समझाती हूँ। क्यों नहीं, अगर मेरी बात नहीं माने हाँ? तो मैं उनके विषय में सोचूंगी। ठीक है भौजी। राम भैया, हम अपने मकान पर पहुंच चुके हैं। भौजी कमरा में आए गए? आ गए हूं बेच आ गए, आवाज दे एक बोल दो भैया आए हुए हैं। भैया तई भैया क्या बात, तू ये बगल आओ, देखी भौजी कौनी कहती यहां है। हां जरा देखा तई भौजी खड़िया घोरावे के नहीं बा, लेकिन हम चिन्हित नहीं भैया। भौजी ये नहीं यही कि दूसर कौनो वही हैं, तो बहुत मोटवार दिखात यहाँ है भैया, हमारे पातर पातर आए हैं। इनका अखिया देखा तो कैसे देखा दिया है, चलता ही हिम्मत बांध के पैलगी करे देखा चाहिए है। भौजी ए भौजी पैलग ही आराम जाते नालायक कहीं के पैलग ही नहीं, दोनों हाथ और दोनों पैर की लंगड़ी और लूली। क्या हुआ बे? अरे यार भैया। अरे क्या हुआ, हम का यहाँ ले आया मरवावे खाती। क्या हुआ भौजी, हमका मारा दिया है। इसलिए बे? हम पहले की करते थे, ऊपर से मारा दिया है। देख तू उधर चल, मैं बात करता हूँ। हम बगलिया आइए भैया। हाय माती दाई जाम ना भैया, अगर तो हाँ ना सोत यह है मन के दारू पिया पिया बर्बाद करता हूँ। माटी देव घरे में भूंजी भाग नहीं पा माटी देव के, अब पिया पिया दारू हमरे मनई के बर्बाद करता है माटी देवना। ए मैडम का भैया तो का हम पियाओ दई तो हमका पियाओ दा। मैं तुम्हें पिला रहा हूं बे। वो दिखा दिया हमका तू पियाओ। ए जानती हो ए मेरी जान है, ए मेरी जिंदगी है। हां हां माटी देवनु, ए माटी देवनु तोहा जिंदगी ना वही, ए तोहा गंदगी यही माटी देवनु। अरे ए भैया हम गंदगी यही नहीं यार, हम चला जाब छोड़ के। नहीं यार ए भैया एक चुम्मा दे दे भैया, निकल ना भाई। तू मेरी जिंदगी है, तू ही जान तू ही शान
तू ही आशिकी है, मेरा भगवान हो। हमारे तो कर्म ही फूट गवा। हम तो दुनिया में सोच रहे कि मेहरारू मनसेदू का रिश्ता हो था, लेकिन एक माटी दोनों का दिमाग खराब हो गया है। देखा था है का हमारे मनैया के चुम्मा लेता है। ए मैडम भाजी तो हाँ चुम्मा ले आइए। अबे भारी रमा, ज्यादा भाषण नहीं देने का बे। चाप चाप चाप। देखो मैडम, मैं किस काम से आया हूँ। किस लिए आए हो? मेरी बात कान खोल कर सुनो। सुनाओ। तो हुआ जे भी पैसों से खाली है राज, हुआ जे भी पैसों से खाली है रानी, हुआ जे भी पैसों से खाली है रानी। मुझे दारू पीने को पैसा दो रानी, मुझे दारू पीने को पैसा दो रानी, हुआ जे भी पैसों से खाली है रानी। नहीं मार तुझको ये खाना पड़ेगा, नहीं मार तुझको ये खाना पड़ेगा, और जरा सा किया तूने ये आराम, कर मतलब तू दारू पी बया और जुआ खेल बया छोड़ बया ना दारू पिया। तूने ही तो सिखाया है मेरी जान। हम कहा था भैया दारू छोड़ दे कौनो अच्छी बात ना वा। अबे ओए नहीं तोरे कैंसर हो जाए निपुल। अबे सारे बात कैंसर हो तेरे सारे तेरे माँ बाप के हो, मेरे क्यों हो बे? ना छोड़ अब। नहीं छोड़। तो हमार बात सुन ले ध्यान से। क्या कहना चाहती है मैडम? अरे बच्ची जो रकम आपको ही दिया दिए। अभी बहुत पैसा है, बहुत पैसा। बची जो रकम आपको ही दिया जी, और नहीं एक पैसा मिलेगा पिया जी। नहीं एक पैसा मिलेगा पिया जी, बाकी जो रकम आपको ही दिया जी। ए मैडम ना मिले, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। क्या है? सीधी सी बात है, शराब के पैसे नहीं है। शराब पीना है तो पीना है, बिना पे रह नहीं। ज्वाइंट खाते वाला पासबुक दे दो, सिर्फ 2,000 रुपए निकालूंगा बस। अच्छा तो तुम्हें खाता तो का नजर आवत आए और कुछ नहीं? हाँ मेरी जान दे दो पासबुक, सिर्फ 2,000 की बात तो है। और नहीं बैंक से एक पैसा निकालू, जो मन मानी करना हो करके दिखा लो। क्या कह रही है साली? पासबुक नहीं देगी मुझे? ना दे। हरी राम क्या करी? एक कहावत कही गई है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। उसमें कितना निकल आता है बेटा? कम से कम 50 ग्राम घी आ जाएगा।
वही हाल है। हाँ तो तोहरे बाप के रुपया ना वा, हमरे बाप के कमाहिया, समझता कि ना समझता? हराम जादी। बूटी कौड़ी ना मिले, एक नवा पैसा ना दे चाहे जौन हो जाए। हरी राम। ओ भैया उठा तो चाबुक। हो जैसा आवे तू पैसा। ए बाबूजी नहीं दे कहे मरवावा दिया। हां देखो मेरी जान, मैं मारना नहीं चाहता, प्यार से मांग रहा हूँ, पासबुक दे दो, सिर्फ 2000 की तो बात है। हम कहती फूटी कौड़ी ना देव ना देव ना देव ना देव। नहीं दोगी, नहीं दोगी हरामजादे। बड़ी वाली भौजी, बड़ी वाली अलमारी में रखा है, जाए कि निकाल ले। जा दे दिया भौजी, अलमारी में निकाल ले। अरे माई हो। अरे राम। हरी राम। का वाह यार, जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। मेरी प्यारी प्यारी बीबी। हाँ भैया भौजी, थोड़ा प्यार दुलार लूं यार। ए भैया अगर पहले दे दे होती तो क्या मारता यार? कई बारे मार खाती और कई बारे मरवाई करते। मना आए भौजी का। देखो मेरी जान, तुम्हें चोट आ गई होगी ना। अच्छा एक काम करा, अब ज्यादा छुलराजी, अब छुलराजी तेरी घोड़े गिल्ले भौजी। भौजी इधर आओ मेरी जान। आए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। आए मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ए सोखियां ये भोलापन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों का जीतने का फल जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरे प्यार में पा गया दो जहां। ऐ मेरी जोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी। भौजी बतावाले राम का माजी, इस आला हमका खोजत है। हमार तो करमै फूटी गवा। हे भैया का करबो भौजी, हमका तनिक देर अकेले छोड़ दे, हमार दिमाग काम नहीं करता है। का करी खतवा वाला नंबरवा बता दीहु तू। का करी मार खाई? हाँ देखा था कैसे बेल्ट उतार उतार मारता है, इतना नशा में चूर हो गया है, हमार बात नहीं मानता है। ओके मारी दिन सुसा कर जब पंजाबा के नेहू हंसा है, मारी दिन ओके बात मानता है। तो बैठ के सोचा बेचारा उनका समझावा कोशिश करा तो ठीक है। हम कहता ही देरिया खेल छोड़ दे बस। मैं क्या देख रहा हूं, हमारी बहू अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठी है। बहू रानी बहू रानी सदा सुहागर रहो, सुहागर रहो। क्या बात है बहू रानी? बाबूजी इस वक्त आप मेरे कमरे में
बेटी, क्या हम तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकते? बहू रानी, मैं घर का सदस्य नहीं हूँ, मैं घर का गार्जियन नहीं हूँ, इसका मकसद क्या है बोलो? बाबूजी, ऐसी बात नहीं है बाबूजी, आप आ सकते हैं। ये बताओ, मैं क्या देख रहा हूँ? ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी, उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं। चेहरा तुम्हारा नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, साफ है, साफ कहूंगा। क्यों उदास बैठी हो? बोलो बाबूजी। हाँ बाबूजी, आज आपके लाडले आए और मुझसे शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। पैसा मांगा? जब मैंने मना कर दिया तो मुझे हंटर से मारे, मुझे लात से मारे बाबूजी, मुझे लात से मारे। क्या हंटर से मारा, लात से मारा? उसकी हिम्मत, ये मजाल! मेरी बहू को हंटर से मारा और चोट खाया है, मैं देखना चाहता हूँ। बहू, मैं तुम्हारे बदन की चोट देख रहा हूँ और तुम दूर जाती हो, उसका मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, उसे गोली मार दूंगा। उसकी जरूरत, उसकी औकात मेरे शान के खिलाफ। क्यों मारा, क्यों मारा? बहू, मैं ये दुख नहीं देखना चाहता, ये कष्ट मैं नहीं देखना चाहता। एक बार अपना घूंघट उठाकर जरा दिखाओ, हमारी बहू कैसी है। बाबूजी। हाँ बोलो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला कोई बहू अपने ससुर के सामने अपना चेहरा दिखाती है? अरे दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे बहू, दुनिया का चक्कर तू छोड़, यमाना कितना आगे जा रहा है, हा? देखता हूँ एक बिंग पर बहू, बेटा, सास, ससुर एक में खाना खाते हैं। हमारे यहाँ बहू बेटी सब एक सम्मान समझता हूँ। हाँ बहू। बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपना चेहरा आपको दिखाती हूँ। अरे जरा दिखाओ बहू। अरे बनाने वाले ने बनाया है। जैसे आकाश से चांद उतर आया है, मेरी कितनी अच्छी बहू है और मेरा बेटा मेरी बहू पर हाथ उठाया। बहू, एक मुझे चुम्मा दे दो। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो बाबूजी? बहू, सोच लो, समझ लो, अगर ऐसा हो गया मैं पूरी जागीर का तुझे मलकिन बना दूंगा। ऐसो आराम करोगी, जिंदगी की चैन से नींद होगी। बाबूजी। हाँ बेटी। आप जाकर बैठ जाइए। बैठ जाऊं? बैठ जाइए। अगर कहती हो तो बैठ जाता हूँ। बतावा ले भैया, हरे बुढ़ाई दाय पतोहू से चुम्मा मांगता है। बाबूजी। तब साला झूरा पर ये साला। बाबूजी, मिश्रा जी। आओ। देख रहे हो? देखा था भौजी, सुनते वही समझते वही। हाँ बतावा, जब बुढ़ाई जाए पगलाना है, छठियाइयां है, चुम्मा मांगता है पतोहू से। क्या बताऊं? हाँ? इनका इतना दिमाग खराब हो गया है, पगलाइए। लेकिन ऐसा बात मौका बार बार नहीं आएगा। नहीं आएगा भाभी जी, मेरा पति तो हमेशा शराब के नशे में चूर रहता है। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा। हाँ हाँ। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, मौके का फायदा उठा लूं। भौजी, ऐसा समय बार बार नहीं आवत, हमारा विचार है मौका का फायदा उठा ले, और जैसे लहाओ वैसे लहा ली। ठीक है, तुम जाओ यहां से। बाबूजी, बाबूजी आजा।
इधर आइए। अरे कहती हो तो आ जाता हूँ बाबा। बाबूजी सोचा और समझा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? जी भर के कहो। अरे सुनो बाबू जी बात हमारी हमारी सुनो बाबू जी। सुनो बाबूजी बात हमारी हमारी सुनो बाबूजी बात। मोर सारा भी भातार मोर सारा भी भातार देता मुझको न प्यार। पूरी होती नई इच्छा हमारी हमारी सुनो बाबू। बोलो खोशनाथ बाबा की जय। बहू मानो बातें बहू तुम हमारी हमारी खेलू ऐसा मैं खेल खेलू ऐसा मैं खेल भेजू पंकज को जेल। खेलू ऐसा मैं खेल भेजू पंकज को जेल। अरे होगी रियासत हमारी हमारी मानो बातें बहू तुम। मैं 60 साल का था 40 साल का हो गया क्यों भाई? बाबूजी आज रात मेरे कमरे में रुक जाइए। कमरे में? हाँ बाबूजी। अरे रुक जाऊंगा। भरी राम। ए भरी राम। भरी राम कहाँ रे भाऊजी? जल्दी से मेरा बिस्तर तो लगा दो भाऊजी। बेड सजाई दे। हाँ। गड्ढा भी छाई दे। हाँ। चादरा भी छाई दे। हाँ। ओकरे बाद तकिया लगाई दे। हाँ भाई। ओकरे बाद एक कम्बल धाई दे। हाँ। एक पौवा तेल धाई दे। तेल क्या होगा रे? जाओ जल्दी लेके आओ। बहू मुझे याद आ रहा है ना, चहलाक तूफा आए अब जान भी ये जाए। मुश्किल है जीना फिर भी चाहे जहर पीना फिर भी। मिलके ना हो गे जुदा जुदा आकसम चाहे लाख तूफान आए अब जान भी ये जाए। मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी। मिलके ना हो गे जुदा जुदा कसम खा। मिलके ना हो गे जुदा जुदा कसम खा ले। ये चाहत रहे कि सदा सदा आकसम खा ले।
बिस्तर लगाओ लगाओ बिस्तर जरा, मेरे दिल की प्यास बुझाओ। चलिए ना। चलो क्यों ना आराम किया जाए। चलिए मैं चादर लेकर आती हूँ। चलो चलो लगाओ। बाबूजी। बोलो बहू। ए लीजिए। चलो बाबा मिलने को दिल कहता। चलो आओ आओ मेरे गले से लग जाओ। अरे ऐ मुंह उधर कर लो। आए वही कहावत यहाँ है, पुरनिया लोग कहे यहाँ कि खुर खुर नाटक करे कब हमका नदब्या और आखी दीदा निकल जाए कब हमका छोड़ ब्या। अरे स्टील बाजी है, हारने वाला नहीं हूँ। आओ स्टील बाजी सही कहता है बाबू। हे भगवान हो, हमका हमार चिंता नहीं बा, हमका हमार चिंता नहीं बा, चिंता बा इनके आखिर एक करी है का। अरे मैं 40 साल का हो गया हूँ, 40 साल का। ऐसे ऐसे बजे बजे खजवाइयाँ। तब तो फिर आ गया। चलो बाबूजी आओ 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 ना आओ।